ओम गणपति नमः। कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र त्यौहार इस वर्ष 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों दिन मनाया जाएगा। 6 तारीख को गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए जातक जो है कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे, जबकि 7 तारीख को साधुगण और वृंदावन में यह त्यौहार मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी यानी कृष्ण जी का जो जन्म होता है वह भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। चूँकि इस वर्ष 6 तारीख को 3:30 बजे से हमें अष्टमी तिथि मिल रही है जो कि 7 तारीख को शाम को 4:15 बजे तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र जो है सुबह 6 तारीख को सुबह 9:15 बजे से मिल रहा है जो कि 7 तारीख को 10:14 सुबह तक रहेगा। इसलिए 6 तारीख की रात को 12 बजे जो है कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। आज के दिन सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ के नहा धो के नए वस्त्र धारण करना चाहिए, मंदिर को साफ करना चाहिए और मंदिर को खूब अच्छे से सजाना चाहिए। कृष्ण जी के बाल गोपाल के स्वरूप का आज के दिन पूजा होती है, इसलिए कृष्ण जी को नए वस्त्र पहनाना चाहिए, उन्हें का साथ श्रृंगार करना चाहिए, उनको झूले पर बिठाना चाहिए और संपूर्ण दिन आपका व्रत रहेगा, लेकिन कृष्ण जी को आप संपूर्ण दिन भोग लगाएंगे और भोग में उनको जो चीज़ें पसंद हैं उसका भोग लगाइए, पर सात्विक चीज़ों का भोग लगना चाहिए। और वैसे कृष्ण जी को दूध संबंधी आइटम पसंद है, मिश्री पसंद है, तो मिश्री दूध से बने हुए आइटम आप दिन भर उनको थोड़ी थोड़ी देर में आप भोग लगाइए। जैसे हम अपने बच्चों का लाड करते हैं, अपने पुत्रों का लाड करते हैं, उसी तरीके से कृष्ण जी का आप आज के दिन जितना लाड करेंगे उनकी जितना लाल दुलार करेंगे उतना ही वो प्रसन्न होंगे, उतना ही उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। इस वर्ष की जो जन्माष्टमी है वो कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि 4 सितंबर को शुक्र जो है मार्गी हो गए हैं, तो जिसके कारण तुला राशि के जातकों के लिए और वृषभ राशि के जातकों के लिए जन्माष्टमी बहुत ही शुभमय है। कर्क राशि के जातकों के लिए भी ये जन्माष्टमी जो है बहुत ही शुभमय है। मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए भी ये जन्माष्टमी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तुला, मिथुन और कर्क राशि के जातक हो सके तो आज के दिन हरी पत्तेदार सब्जी का दान करें। कन्या, कर्क और वृषभ राशि के जो जातक हैं सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सफ़ेद मिठाई का भी दान कर सकते हैं या सफ़ेद किसी भी पदार्थ का दान कर सकते हैं जो कि उनके लिए शुभमय और मंगलमय रहेगा। आपके लिए जन्माष्टमी बहुत शुभमय और मंगल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिव प्रसाद देव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। जय माता दी।